पुलवामा की घटना के बाद से ही इस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जहां सरकार चुनावी समर में इसका जमकर प्रचार कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर जवानों के खून की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। सरकार और विपक्ष के इस तूतू मैमह के बीच अब गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी ने उन पर वार किया है। पुलवामा की घटना के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी ब्रिगेड कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर लग गई थी। सिद्धू ने कहा था कि घटना के लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, हमला करने वाले गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। सिद्धू के बयान पर शुरू हुआ घमासान अभी थमा भी नहीं था कि अब गांधी परिवार के बेहद करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भी पुलवामा हमले को लेकर ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमले के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये हर तरह के हमले की तरह है। मुंबई में भी ऐसा हुआ था, हमने इस बार रिएक्ट किया और कुछ जहाज भेज दिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना सही नहीं है, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे देश को नहीं देनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद अब सियासी पारा गर्मा गया है। जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया है। पीएम मोदी ने पित्रोदा के बयान को घेरते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस राजघराने के वफादार ने मान लिया है कि कांग्रेस आतंकवादी ताकतों को जवाब नहीं देना चाहती थी, ये न्यू इंडिया है और हम आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब देंगे जो उसे समझ में आती है। वहीं अमित शाह ने भी पूरी कांग्रेस को घेरा है, जबकि अखिलेश यादव ने पित्रोदा का साथ देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा मौलिक अधिकार है, इसीलिए उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। वैसे पित्रोदा को जहां अखिलेश ने समर्थन दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। हालांकि सैम अपने बयान पर कायम है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।